नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर विवादों में रहने वाले आगरा के भाजपा सांसद और एससी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया एक बार फिर से चर्चा में हैं। सांसद का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पुलिस वाले को धमकाते सुने जा सकते हैं, जिसमें सांसद एक दरोगा को धमकी दे रहे हैं कि योगी को चैलेंज करोगे तो नौकरी खा जाऊंगा, यादव हो तो क्या गुंडे हो, इतना ही नहीं जेल में डालने की धमकी तक दे डाली है। आपको बता दें, सांसद रामशंकर कठेरिया इससे पहले सिपाही को थप्पड़ मारने, कांग्रेस नेता को धमकी देने, साले के लिए बूथ कैप्चरिंग करने, खुद अपनी आरती उतरवाने और मंच से मुख्यमंत्री के पैर छूने को लेकर विवादों में रहे हैं। दरअसल आगरा के SSP अमित पाठक शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण दूर करने को लेकर कार्यवाही निरंतर कर रहे हैं। SSP के आदेश का पालन करते हुए जगदीशपुरा थाना के बदला चौकी इंचार्ज महेश पाल यादव ने वहां अवैध रूप से खड़ी हुई ठेलों को हटवाया था, जिसके बाद शनिवार को सांसद निवास पर ठेला वाले गुहार लगाने पहुंचे थे, जिसके बाद सांसद दरोगा पर बरस पड़े। चौकी इंचार्ज के पास पहले सांसदों के प्रवक्ता का फोन आता है, जिस पर बात करते हुए दरोगा महेश यादव से कहता है कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री भी आ जाएं तो ठेला नहीं लगाने देंगे। इस पर दरोगा महेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, SSP साहब के आदेश हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कप्तान के आदेश हैं तो उनका पालन हमारी ड्यूटी है। इसके बाद फोन सांसद डॉक्टर कठेरिया ले लेते हैं और कहते हैं कि यादव हो कि गुंडा हो, मुख्यमंत्री को चैलेंज करोगे तुम, दुकान हटाने के चक्कर में तुमने जिसको मारा है वो SC है, तहरीर लेकर आयोग से FIR करवा दूंगा तो जमानत को तरस जाओगे, तुम्हारा कभी जिंदगी में प्रमोशन नहीं होगा। इस दौरान पुलिस वाला लगातार सांसद को सफाई देता नजर आ रहा है। वो एक बात ये भी कहता है कि उसने किसी को डंडा नहीं मारा है, लेकिन सांसद कठेरिया लगातार धमकी देते रहते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति और खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए लॉग इन कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।